दोस्तों मार्कंड जी आगे कहते हैं, राजन कार्तिकेय जी को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आईं। उन्होंने देव सेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा हमारे देव तुल्य पतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। स्कंद जी ने कहा, निर्दोष देवियों आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो। तब स्कंद जी ने उससे कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णता मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब स्कंद जी ने कहा, ब्राह्मणों के हव्य कव्य आदि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए हुए होंगे उन्हें वे स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे। कल्याणी इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। स्कंद जी ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया और इससे उसे बड़ा संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो उसने स्कंद का पूजन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्कंद जी से कहा, तुम अपने पिता महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोकों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश होकर तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए। जिस समय इंद्रदेव ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले। उस समय गुहियों को के सहित श्री कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे। इंद्रदेव ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेकों अद्भुत देव सेनानी थे। यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे। यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारुण 3 नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था। उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चवर लिए उपस्थित थे। उनके पीछे राजर्षियों के सहित देवराज इंद्र स्तुति करते चलते थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से व्यूह की रक्षा करना। स्कंद जी ने कहा, भगवान मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा, इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। श्री महादेव जी बोले, बेटा काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना, मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को हृदय से लगाकर विदा दिया।